आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कक्षा 11वीं में हमने संबंध के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इसमें हमने प्रांत परिसर का अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि किसी समुच्चय में ए में संबंध एक राशि, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं या कार्तीय गुणनफल कहते हैं, का एक उपसमुच्चय होता है। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अन्य अवयव से संबंधित होता है। अतः रिक्त समुच्चय फाय उपसमुच्चय होगा एक राशि का, तथा एक राशि स्वयं दो चरम संबंध है। उदाहरण आर बराबरी से ए बी, जबकि ए प्लस बी इक्वल टू 12 द्वारा प्रदत्त एक समुच्चय हो, और ए बराबरी से 1, 2, 3, 4, 5 पर परिभाषित एक संबंध आर पर इस प्रकार विचार करें कि यह एक रिक्त समुच्चय है। कारण क्योंकि कोई ऐसा कोई भी युग्म नहीं है जो संबंध ए प्लस बी बराबरी से 12 को संतुष्ट करे। इसी प्रकार आर डैश बराबरी से ए बी, जबकि ए प्लस बी ग्रेटर देन 1, संपूर्ण समुच्चय एक राशि ए के तुल्य है, क्योंकि एक राशि ए के सभी युग्म को ए प्लस बी बड़ा है एक संतुष्ट करते हैं। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर संबंधों के प्रकार को हम देखें। पहला है रिक्त समुच्चय, या जिसको हम कहेंगे शून्य संबंध। समुच्चय ए से ए पर बी पर, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। अर्थात आर बराबरी से फाय उपसमुच्चय है एक राशि बी का। एक उदाहरण देखते हैं। माना कि ए बराबरी से अवयव है हमारे पास 4, 6, 8, बी बराबरी से अवयव हमारे पास 5, 7, तथा संबंध आर बराबरी से ए बी, जबकि ए शामिल है ए में, बी शामिल है बी में, और ए ऋण बी सम होने चाहिए। हम में से सब जानते हैं कि ए का कोई भी अवयव ले, उसको बी से यदि हम घटाए तो किसी भी कंडीशन में, जैसे 4 में से 5 घटाए 1, 4 में से 7 घटाए -3, 6 में से -5 घटाए -1, 6 में से -7 घटाए -1, 8 में से -5 को घटाए -3, 8 में से 7 को घटाए 1। इसमें कोई भी संख्या सम नहीं है, सिर्फ दो प्रकार की संख्या मिल सकती है इसमें, एक तो ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक, लेकिन वो भी सम नहीं है, बल्कि कैसी विषम संख्या, या तो धनात्मक मिलेगी या विषम संख्या ऋणात्मक मिलेगी। इसलिए इसकी कोई भी इस शर्त को कंप्लीट नहीं करता कि a माइनस बी सम हो। अतः a से b में एक रिक्त संबंध है। आइए दूसरे प्रकार का एक संबंध हम देखें, जिसको हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयवों से संबंधित हो। अर्थात आर बराबरी से ए क्रॉस बी। उदाहरण माना कि ए बराबरी से 1, 2, बी बराबरी से 2, 3, तथा संबंध आर बराबरी से 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, जहां आर बराबरी से ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। समुच्चय ए का पहला अवयव और समुच्चय बी का दूसरा अवयव, जैसे 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, इनको मिलाने पर सारे के सारे रिलेशन आर में सम्मिलित हो गए। इसलिए हम इस आर को कहेंगे सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। अतः ए से बी में एक सार्वत्रिक संबंध है। संबंधों के प्रकार, संबंध 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला संबंध देखिए, रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर बराबरी से फाय,
माना कि ए बराबर इसे 1 2 3 4, तब आर बराबर इसे ए बी, जबकि ए बी शामिल हो ए में और ए माइनस बी इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए, ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिन दो अवयव को ले और अंतर 10 आ जाए। 1 से 4 तक के कोई भी अवयव को देखें, शुरुआत देखें, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 1 में से 2 को घटाएंगे तो ऋण 1, 1 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण 2, 1 में से 4 को घटाएंगे तो ऋण 3। तो हमें ए माइनस बी किसी भी कंडीशन में 10 मिल ही नहीं सकता। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, 1-1, 1-2, 1-3, इन सारे अवयवों को ध्यान से देखें तो इनमें से एक भी संख्याओं में अंतर हम 10 के बराबर नहीं पाते। इसलिए आर बराबरी से फाय, जिसको कि हम कहेंगे रिक्त समुच्चय, अथा ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध है। दूसरा देखें, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए बराबरी से एक राशि, माना ए बराबरी से 1 2 तथा आर बराबरी से 1 1 1 2 2 1 2 2। तब हम यहाँ ध्यान से देखें कि आर में सारे अवयव आ गए एक राशि एक 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 दो दो एक दो दो, अर्थात आर का मान है एक राशि एक के बराबर। इसका मतलब है कि यह संबंध सार्वत्रिक संबंध है। आइए तीसरे प्रकार के संबंध को देखें। तीसरा प्रकार का संबंध है जिसको हम कहते हैं इकाई संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है यदि आर बराबरी से ए बी, जबकि ए बी शामिल हो कैपिटल ए में तथा ए बराबरी से हो बी। इस प्रकार इकाई संबंध आर बराबरी से होगा ए ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। उदाहरण, माना ए बराबरी से 1 2 3 4 5, तब आर बराबरी से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये हो, तब हम कहेंगे समुच्चय ए पर इकाई संबंध को आई ए से दर्शाते हैं। आइए इसी में अपन उदाहरण देखें। माना ए बराबरी से 1 3, बी बराबरी से 5 9 तथा आर बराबरी से ए बी, जबकि ए शामिल हो ए में, बी शामिल हो बी में तथा ए ऋण बी विषम है, तब हमको दिखाना है कि आर ए से बी में रिक्त संबंध है। यहाँ ध्यान से देखें, ए बराबरी से 1 3 है, बी बराबरी से 5 9 है, ए में से बी को घटाना है, ए अवयव कैपिटल ए समुच्चय का है, बी अवयव कैपिटल बी समुच्चय का है। तो ध्यान से देखिए, ए का पहला अवयव लिया 1, बी का दूसरा अवयव लिया 5, ए माइनस बी मतलब 1 ऋण 5 बराबर इस ऋण 4। अंतर वो कह रहे हैं कि विषम आना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए, ऋण 4 एक सम संख्या है जो कि विषम नहीं है। ए बराबरी से 1, बी बराबरी से दूसरा अवयव लिया 9, 1 में से जब 9 को घटाया तो अंतर आया ऋण 8 जो कि विषम नहीं है। ए बराबरी से 3, बी बराबरी से 5, ए ऋण बी को ध्यान से देखें तो मान आया 3 ऋण 5 बराबरी से ऋण 2 जो कि विषम संख्या नहीं है। इसी प्रकार ए बराबरी से 3, बी बराबरी से 9, 3 और 9 का अंतर भी देखेंगे तो ऋण 6 जो कि विषम नहीं है। इस प्रकार चारों क्रमित युग्म में ए बी में कोई भी संख्या विषम नहीं है, इसलिए आर 5 होगा, अतः ए से बी रिक्त संबंध आर है। तो इस प्रकार से हमने ये पहला उदाहरण देखा। इसी में अगला उदाहरण को ध्यान से देखेंगे। माना ए बराबरी से 1 9, बी बराबरी से 5 13 तथा आर बराबरी से ए बी, जबकि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी तथा ए माइनस बी 4 से विभाजित है। तब हमको दिखाना है कि आर से ए बी में एक सार्वत्रिक संबंध है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ए बराबरी से 1 9 है और बी बराबरी से 5 13 है। कोई भी आर का पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से, ए अवयव कैपिटल ए समुच्चय से, बी अवयव
बी समुच्चय से ऐसे लेना है कि जिन दोनों का अंतर चार से विभाज्य हो। सबसे पहला अवयव लिया अपन एक, बी का पहला अवयव लिया पाँच। एक में से पाँच को घटाएंगे ऋण चार आएगा जो कि चार से विभाज्य होगा। एक में से बी का दूसरा अवयव 13 को घटाएंगे ऋण 12 आएगा जो कि 4 से विभाज्य है। 9 में से 5 को घटाएंगे 4 आएगा जो कि 4 से विभाजित है। 9 में से 13 को घटाएंगे ऋण 4 आएगा जो कि 4 से विभाजित है। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी पहला अवयव 1 5, पहला अवयव 1 13, ये दोनों के दोनों अवयव है। यहाँ ए समुच्चय का दूसरा अवयव 9, बी समुच्चय के दोनों अवयव 5 और 13 को ध्यान से देखें तो 9 के साथ 5 है, 9 के साथ 13 है। कहने का मतलब ए क्रॉस बी के सारे वे अवयव है जो कि ए क्रॉस बी में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं छूटा, इसलिए हम कहेंगे अतः ए से बी में यह सार्वत्रिक संबंध है। आज के लिए इतना ही, अगले बार हम प्रश्नावली 1A पढ़ेंगे।